हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अन्ना के नाम से मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी ने अपने 3 दशक के करियर में काफ़ी अलग अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी पहचान एक्शन और कॉमेडी हीरो के तौर पर ही होती है। हालांकि सुनील शेट्टी पहली बार जिस फिल्म में दोहरे किरदार में नजर आए थे वो फिल्म थी 2 दिसंबर 1994 को आई गोपी किशन। एक्शन कॉमेडी ड्रामा से भरी गोपी किशन फिल्म की कहानी लिखी थी अनीस बज्मी ने, जो कि 1993 में याके जैसी सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी लिखकर पहले ही छाए हुए थे। अब मुकेश दुग्गल के निर्माण में गोपी किशन फिल्म का निर्देशन किया था खुद मुकेश दुग्गल ने ही, और मेन कास्ट में सुनील शेट्टी के साथ थी शिल्पा शिरोडकर व करिश्मा कपूर, जबकि स्पोर्टिंग कास्ट में थे सुरेश ओबराय, अरुण ईरानी, सत्येंद्र कपूर, मुश्ताक खान, अरुण बख्शी और मोहन जोशी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। अब आनंद मिलिंद के संगीत ले गीत लिखे थे समीर ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 6 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। टाइम ऑडियो के अंडर लॉन्च गोपी किशन फिल्म का गीत संगीत हिट था, क्योंकि इसकी करीबन 20 लाख कैसेट बेची गई थी, जिससे ये साल का 12वां सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम भी बन गया था। वैसे बात करें गोपी किशन के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीतों की, तो कुमार सानू व पूर्णिमा का गाया हाई उकू हाय हाय, कुमार सानू वाल कायागनिक का गाया ये इश्क है क्या, और पूर्णिमा का गाया बत्ती ना बुझा सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गीत हैं। अब 2 घंटे 42 मिनट की गोपी किशन फिल्म को IMDb की तरफ से मिली 5.8 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। इसलिए पहले बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की, तो 2,15,00,000 के बजट में बनी गोपी किशन 165 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 68,72,000 टिकटों की बिक्री के साथ 4,81,25,000 की कमाई कर सुपर हिट रहते हुए 17वीं सबसे कमाऊ फिल्म थी। अब गोपी किशन फिल्म 40वीं फिल्म फेयर में तो कोई अवार्ड या नॉमिनेशन नहीं जीत पाई, लेकिन 1994 का साल जरूर सुनील शेट्टी के करियर के सबसे कामयाब सालों में गिना जाता है, क्योंकि इस साल उन्होंने एक तरफ जहां अपने करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मोरा दी थी, वहीं दूसरी तरफ दिलवाले के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का ही सही लेकिन नॉमिनेशन जरूर मिला था। यो पंगा, इससे भी बड़ा पंगा लो, मैं जानता हूँ आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था साल 1992 में आई बलवान फिल्म से, और आते ही सुनील शेट्टी अपनी जबरदस्त फिजिक्स के चलते फेमस हो गए थे। ऐसे में बलवान फिल्म के कुछ टाइम बाद ही निर्माता मुकेश दुग्गल ने गोपी किशन फिल्म सुनील शेट्टी को ऑफर कर दी थी, लेकिन सुनील शेट्टी को यकीन नहीं था कि वे कॉमिक किरदार निभा पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनकी पहचान तब एक सीरियस एक्शन हीरो की हो गई थी। लेकिन फिर उन्हें जब ये एहसास हुआ कि एक ही समय में 2 अलग अलग किरदारों को निभाना काफ़ी चैलेंजिंग होगा और ऐसे चैलेंज से उन्हें आगे भी पार पाना होगा, तो उन्होंने गोपी किशन फिल्म करने की हामी भर दी, जिसे करने का फायदा देखिए गोपी किशन आज सुनील शेट्टी के करियर की पॉपुलर फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें की गई कॉमेडी का फायदा उन्हें आगे चलकर मिला, और वे हेरा फेरी व आवारा पागल दीवाना समेत कई और कॉमेडी फिल्मों में नजर आए, जहां उनकी कॉमेडी को लोगों ने खूब एंजॉय किया। वैसे गोपी किशन फिल्म का इनिशियल टाइटल पहले तीर कमान रखने का फैसला किया गया था, और ये रीमेक थी साल 1990 में आई के भाग्यराज की एक तमिल फिल्म उसारा पुलिस 100 का, जिसके राइट्स मुकेश दुग्गल ने साल 1992 में ही खरीद लिए थे। लेकिन बावजूद इसके कहानी में कुछ बदलाव की गुंजाइश थी, इसलिए फिल्म डिले हो गई, जिसके बाद फिर कई निर्देशकों के हाथों से निकलकर फिल्म मिली निर्देशक दीपक शिवदासनी को। अब दीपक को जब यह फिल्म मिली तब सुनील शेट्टी के साथ वे साल 1993 में पहचान जैसी फिल्म भी बना चुके थे, जिसकी शूटिंग के दौरान ही सुनील शेट्टी और दीपक अच्छे दोस्त भी बन गए थे, इसलिए दोनों ने पहचान और गोपी किशन के अलावा भाई और साल 2008 में आई मिस्टर ब्लैक मिस्टर व्हाइट में भी साथ काम किया था, और मिस्टर ब्लैक मिस्टर व्हाइट का इनिशियल टाइटल तो दीपक शिवदासनी ने पहले गोपी किशन ही रखने का फैसला किया था। हालांकि फिर कुछ वजहों से वे गोपी किशन टाइटल रख नहीं पाए और टाइटल बदल कर मिस्टर ब्लैक मिस्टर व्हाइट करना पड़ा। वैसे गोपी किशन फिल्म जब रिलीज हुई थी तब सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी करीबन 2 साल की थी, इसलिए अतिया जब थोड़ी बड़ी हुई और उन्होंने फिल्म देखी तो एक वक्त ऐसा भी आया जब वे अपने पापा को लेकर कन्फ्यूज हो गई थी, क्योंकि गोपी किशन फिल्म में सुनील शेट्टी का गोपी का किरदार काफ़ी फनी था। इसके अलावा ये भी याद होगा कि इसमें सुनील शेट्टी के बेटे बने मास्टर सोहेल का बोला मेरे दो बाप डायलॉग भी कमाल था। अब बात दरअसल ऐसी है कि मीडिया में दिए अपने एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी बताते हैं कि उन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि ये डायलॉग इतना बड़ा हिट हो जाएगा, लेकिन इस डायलॉग को अपने घर में सुनकर वे काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि अथिया भी उन्हें देखते ही कन्फ्यूज हो जाती थी और कहने लगती थी मेरे दो बाप, जो कि सुनील शेट्टी को बिल्कुल पसंद नहीं था।
इसलिए अथिया को अक्सर वे समझाते भी रहते थे कि ऐसा बोलना ठीक नहीं। लेकिन बावजूद इसके अथिया को सच में लगता था कि उनके दो दो पिता हैं। वैसे अब गोपी किशन फिल्म में सुनील शेट्टी का डबल रोल था तो उनके अपोजिट दो दो हीरोइने भी थी। और ऐसा बताया जाता है कि मेकर्स ने पहले दिव्या भारती और फरीन को साइन किया था, लेकिन 5 अप्रैल 1993 को दिव्या की डेथ होने से मेकर्स ने फरीन की जगह भी दूसरी हीरोइन को लेने का मन बना लिया। ऐसे में दिव्या भारती की जगह जहां करिश्मा कपूर को कास्ट किया गया, वहीं फरीन की जगह शिल्पा शिरोडकर को साइन किया गया। अब करिश्मा जहां पहली बार सुनील शेट्टी के साथ काम कर रही थी, वहीं शिल्पा शिरोडकर इससे पहले पहचान में साथ काम कर चुकी थी। लेकिन दोनों में सुनील शेट्टी के लिए लक्की करिश्मा ही साबित हुई थी। इसलिए एक फैक्ट ये भी बनता है कि सुनील शेट्टी के अपोजिट जिस फिल्म में करिश्मा कपूर नजर आई, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने से बच गई। वरना साल 1996 में आई सपूत और 2003 में आई बाज ए बर्ड इन डेंजर जैसी फिल्मों का तो बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल था सभी को पता ही होगा। इन फिल्मों में करिश्मा दूसरे हीरो के अपोजिट थी और ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। वैसे सुनील शेट्टी को लेकर उस टाइम एक बात ये भी थी कि जिस फिल्म में वे वर्दी में नजर आते थे, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ हद तक सफल हो जाती थी। फिर चाहे वो 1992 में आई डेब्यू फिल्म बलवान हो या फिर साल 1994 में आई दिलवाले क्यों ना हो। वैसे करिश्मा कपूर के अलावा सुनील शेट्टी के साथ पहली बार ही नजर आए थे मोहन जोशी, जिसके बाद दोनों की ऐसी जोड़ी जमी कि मोहन जोशी सुनील शेट्टी की डेरो फिल्मों में नजर आए थे। हालांकि साल 2003 में आई खेल दोनों की लास्ट फिल्म मानी जाती है, जिसके बाद दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। वैसे ऐसा बताया जाता है कि गोपी किशन फिल्म की करीबन 80% शूटिंग दीपक शिवदासनी के निर्देशन में पूरी हुई थी, लेकिन फिर इसके बाद कुछ मुद्दों को लेकर उनके निर्माता मुकेश दुग्गल से अनबन हो गई और उन्होंने बीच में ही फिल्म छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद बची हुई शूटिंग निर्माता मुकेश दुग्गल ने खुद ही खत्म की और निर्देशक का क्रेडिट भी दीपक को देने की बजाय खुद ही ले लिया, जो कि एक नज़र देखे तो अच्छी बात तो नहीं, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा पहले भी होता रहा है। वैसे एक बात यह भी है कि गोपी किशन फिल्म के बाद दुग्गल साल 1995 में आई मिलन और 96 में आई खिलौना जैसी फिल्मों का ही निर्माण कर पाए थे, क्योंकि फिर 7 मार्च 1997 को मुकेश दुग्गल की अंदर ही मुंबई के ऑफिस में अंडरवर्ल्ड के गुर्गों ने घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोपी किशन फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो फिल्म में हीरे जेवरातों को ढूंढने वाला सीन ऐसा था जो इसके बाद साल 1999 में आई हॉलीवुड की ब्लू स्ट्रीक में भी कॉपी किया गया था। कॉपी क्या बल्कि पूरी की पूरी फिल्म का प्लॉट ही सीन पर बेस्ड था। हालांकि ब्लू स्ट्रीक फिल्म सीरीज की बजाय एक कॉमेडी और फन से भरी फिल्म थी, जिसका कि बाद में डेविड धवन ने बॉबी देओल के साथ साल 2002 में चोर मचाए शोर टाइटल से रीमेक भी बनाया था। थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन की करें तो गोपी किशन फिल्म की मोस्टली शूटिंग महाराष्ट्र में ही हुई थी, जिसमें सीन मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो, फिल्मालय, चांदीवली, फिल्म सिटी, कमालिस्तान, स्वाति और आरके स्टूडियो में फिल्माए गए थे। वहीं मोस्टली आउटडोर श्रीरंगल विलेज मद में और प्रियदर्शन पार्क में फिल्माए गए थे। फाइनली गोपी किशन सुनील शेट्टी की डबल रोल के साथ पहली फिल्म होने के अलावा साल की लगातार चौथी कामयाब फिल्म भी थी। और फिल्म में एक तरफा जहां वे डरपोक पुलिस वाले की भूमिका में नजर आए थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक साहसी शख्स की भूमिका अदा की थी। और ये जितनी सिनेमाघरों में चली थी उससे कहीं ज़्यादा इसे टीवी पर पसंद किया गया था। ओल्ड इज गोल्ड में गोपी किशन फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।